हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासर जावेद एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मार्कोर क्वेस्ट। दोस्तों, आप जानते हैं सीज़न ख़त्म होने जा रहा है, कराची में गर्मी शुरू होने वाली है और फिशिंग सीज़न भी ख़त्म होने जा रहा है। तो हम जा रहे हैं आज स्पीड बोट पे फिशिंग करने, और आज मैंने आपको ख़ास तौर पे दो लोगों से मिलाना है, दो शख्सियात से ख़ास तौर पे। तो पहली शख्सियात तो मेरे साथ हैं शहरयार भाई, द ग्रेट शहरयार भाई। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ ये जाने लगे हैं। शहरयार भाई, थैंक यू वेरी मच कि आज आप हमारे साथ हैं, और रमीज जो इनके पार्टनर हैं ये हमारे साथ जा रहे हैं। तो बाकी सीन्स क्या हैं वो, और बोट में क्या क्या होने वाला है वो सब हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। सी यू। शहरयार खान व्लॉग्स, नाम तो सुना होगा। बोट पे आ गए भाई हम, बोट हमारी पीछे खड़ी है, स्पीड बोट, वन ऑफ द फास्टेस्ट बोट जो कराची के इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं हम, और टीम हमारी अंदर है। कैप्टन हमजा जो हमारे आज के कैप्टन है, उनसे भी मिलाते हैं आपको। कैप्टन हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ऑल गुड टू गो? या, एवरीथिंग इज रेडी। चले जी, इंजन पानी में जा रहे हैं, देखें। कैप्टन हमजा ने इस वक्त सेल्फ लगा दिया है और इंजन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। आवाज आ गई। Are you guys ready? तो जी शहरयार भाई रेडी हैं? So we are all good to go। और सफर अल्लाह का शुक्र है हमारा स्टार्ट हो गया है। सुबह के इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने पहले स्पॉट। बोट की जो हमारी स्पीड है ना, वो माशाल्लाह बहुत औसम है, और जो हमारे कैप्टन हमजा हैं इनका भी रिकॉर्ड बहुत औसम है। एक तो ये लाइसेंस्ड कैप्टन है, नंबर टू ये पाकिस्तान बोट रैली के भी जो है मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली में पार्टिसिपेट किया था और इसी बोट में गए थे। तो मैं इनसे भी आपको मिलवाऊँगा। दूसरी आज की शख्सियत जिनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ वो हमजा है। यार, तो मेरे व्लॉग तो होते हैं भाई इन्फॉर्मेटिव और ड्राई टाइप के, तो उसमें थोड़ा सा मसाला डालने के लिए मैंने आज बुलाया शहरयार भाई को, क्योंकि शहरयार भाई जो है वो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और स्पेशली जो ह्यूमर वो क्रिएट करते हैं ना शहरयार भाई, जबरदस्त। ये मुझे शेफ समझते हैं, बोल रहे हैं मसाले वसाले डालते हैं, तो ये इसी वजह से मैं उनको लाया हूँ ताकि आज ये एडवेंचर हमारे व्लॉग के अंदर थोड़ा ह्यूमर भी हो। ज़बरदस्त। और मैं इनको अपनी वीडियो में इसलिए लाया हूँ क्योंकि इनके बकौल ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भाई हम जो है ना चैनल से बाहर निकल चुके हैं। कैप्टन हमजा जो है ना अब स्पीड मारेंगे क्योंकि अब हम चैनल से बाहर आ चुके हैं। हमजा जो है भाई फुल थ्रॉटल देने लगा है और वो टर्न ले रहा है, तो ये चेक करें। क्या थ्रॉटल मारा है यार कैप्टन हमजा भाई। बोट तो हमारे दोस्त शहरयार भाई ने आज चलाई है, रोकूंगा मैं। तो ये एंकर जो है इसका मतलब ये है कि इसको फेंक के जो है ना बोट को हम कर देंगे स्टॉप। सिरा देख लीजिए रखा है। ओके जी,
हम अब रुक गए एक जगह आके, ड्रोन शॉट्स हमने ले लिए हैं और अपना जो पहला पॉइंट है जहाँ पे हम फिशिंग करने लगे हैं तो वहाँ पे हमने एंकर कर दिया है। अब जो है थोड़ी देर हम फिशिंग करेंगे, फिर देखते हैं आगे और क्या करना है, तो देखते रहिए। ये क्या झींगा है आज, झींगे से क्या क्या लगने का प्रोग्राम है यहाँ पे, क्या क्या लग सकता है हमें? पठान वगैरह लग जाते हैं, धंधे वगैरह हीरे लग जाते हैं झींगे पे। इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। किसर मिसर लगेगा? किसर इंशाल्लाह लगेगा इंशाल्लाह। कितने किलो का? ये कोई 5-6 किलो के। अच्छा, ये रमीज भाई लगे हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? रमीश भाई क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोफेशनल नहीं हूं मैं, नकल कर रहा हूं। आता आता कुछ नहीं। कलील भाई रिपोर्ट दें, क्या रिपोर्ट है? हल्का फुल्का हुक कर रही है, देखते हैं बाकी लगे हुए इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमजा ने जो है ना हमसे तो हो नहीं पा रहा, तो हमजा बिसाइड्स बीइंग अ गुड कैप्टन, ये बहुत अच्छे फिशरमैन भी हैं। एंगलर सॉरी। तो अब हमजा ट्राई करने लगे हैं। चले जी हमजा, बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ा ब्रीफ डिस्कशन एक छोटा सा डालूंगा, क्योंकि हमजा जो है मैंने आपको बताया कैप्टन भी हैं और बड़े अच्छे एंगलर भी हैं। बिसाइड्स इनका एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में एक रैली हुई थी रिसेंटली, जो बोट रैली हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये बोट जो है उस रैली में पार्टिसिपेट की थी। हमजा उसमें इस बोट के पार्टिसिपेंट भी थे और इसको लेके गए थे। 5 दिन का इनका ये टूर था, कराची ग्वादर, ग्वादर कराची, तो उसका भी इनसे थोड़ा सा मैं फीडबैक लेके बताऊंगा आपको। यार भाई कैसा चल रहा है फीडबैक? मजा आ गया। और वो मैं भूल गया आपने क्या कहा था कहने को। यार जबरदस्त एक्सपीरियंस है, जोक्स अपार्ट, और ये एक्सपीरियंस कभी किया नहीं, इसके करीब करीब का किया था लेकिन कभी वीडियो नहीं शूट की, तो आज यासिर भाई की बदौलत इसकी वीडियो भी बना रहे हैं और जल्द आप। छोटी का मसला नहीं है, मछली लगी, मछली लग गई, मछली लग गई, निकाली मैंने, लगी खलील भाई। यार क्या बात है यार, खलील भाई आप किस, आप बस पकड़ूंगा। वाह 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 वाह, रोशनी यार मजा आ गया। अभी हम थोड़ा करेंगे गोरो वाला स्टाइल कैच एंड रिलीज, सही है? हाँ, क्योंकि मछली छोटी है, मछली छोटी लग गई है, तो यार उसको थोड़ा सा जिंदा रहने का मौका दे दो और उसको रिलीज कर दो। ये देखो ये छोटी मछली लगी है, नहीं जाना लेकिन हम इसको फिर भी करेंगे। चल यार भाई, ये काम नेक काम फिर आप अपने हाथों से करें, जो आपसे नहीं हो पा रहा। होगा रिलीज कर रहे हैं वापस, ये अभी छोटी है। जाओ। गुड शो। ओ निकल आई भाई, यार भाई ने भी 0-1 कर लिया इन कितने सेकंड? यार 3 घंटे में तकरीबन कोई 5000 सेकंड। अच्छा अच्छा बता दो यार। यार हमने जो है ना फिशिंग बिल्कुल खत्म कर दी है, हमें एक ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स दिख गया है, तो हम लोग यहाँ से फुल टाइम कल्टीशा का नारा लगा रहे हैं और हम जा रहे हैं उन डॉल्फिन्स को पकड़ने। चले जी हमजा मारे भाई, पहुंचा देंगे। आगे तक आ गए हम और बोट बहुत स्पीड में आई है, बहुत जोरदार आई है
तो मुझे ऐसा लग रहा है डॉल्फिन अभी नीचे हो गई है, हम बिल्कुल उनके पास जो है ना आ चुके हैं। यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं पहली दफा इतने करीब से ना डॉल्फिन्स को देखने लगा हूं। नाइस एंड इजी हमजा, नाइस एंड इजी। ओए ओए माशाल्लाह, वाह, This is on, man. Amazing. अगर आपने अभी भी शार्क क्रूज के साथ अपना चार्टर बुक नहीं किया तो आप लेट हो चुके हैं। तो यार आज का जो हमारा शार्क क्रूजर के साथ जो ट्रिप चल रहा है ना, उसमें हमें एक एडिशनल पैकेज में जो चीज शामिल नहीं थी वो थी डॉल्फिन्स के साथ बोटिंग, वो तो एपिक एडवेंचर हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कैप्टन है यहाँ, इनका कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक और एडवेंचरस हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो अपने गवादर बोट रैली का, जिस बोट पे हम बैठे हैं उस बोट के कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। यार बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, फाइव डेज का ट्रिप था टोटल। यहाँ से हम गए थे चढ़ना से उरमारा, फिर ऑल द वे टू गवादर, और हमारे साथ 10 और बोट्स थी, यॉट्स थी, स्पीड बोट्स। अमेजिंग ट्रिप बट थ्रिलिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, बट बड़ा इन्जॉय किया, फिशिंग हुई, और इससे अवेयरनेस आती है कि पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है कितनी ब्यूटीफुल है, और लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए और इसको यूटिलाइज करना चाहिए एज अ टूरिज्म, आई वुड से। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। तो अगर आप शार्क क्रूजर की इस सर्विस को, रेंटल बोट सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, फिशिंग करना चाहते हैं, तो आप हमजा से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? हमजा बता दें प्लीज। बहुत इजी तरीका है, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है शार्क क्रूजर के नाम से, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर ही मेरा गिवन है, आप इजीली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका स्पॉट बुक कर लूँगा। यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, पेरेंट्स, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सीन होता है। वन टू थ्री बोट का जो है ना ओवरव्यू नीचे से भी देखना था, बहुत ज़रूरी था, तो हम देख पानी वगैरह जाए और आपको देख के बताए क्या सीन है। यार भाई कैसा चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बचाओ। आज मुझे पता ही नहीं लग रहा नीचे कुछ है कि नहीं है, 30 से 35 फीट। क्या कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग? एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है ये बताएं। बहुत ही खतरनाक जा रहा है, सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने 35 फीट पानी में जिंदगी में पहली बार जंप आ रही है, मैंने तो 10 फीट पानी में। ये है भाई शहरयार भाई, और अब होपफुली आप इनको हमारी अगली वीडियोस में भी देखेंगे। ह्यूमर है इनका सारा ह्यूमर, वैसे ऊपर बोर्ड के ऊपर तक ह्यूमर था, अभी वो बदल गया है। क्या हो गया है? हालत टाइट हो गई है। तो आज का हमारा जो ये बोटिंग का जो इवेंट था, स्पीड बोटिंग, फिशिंग, थोड़ी सी डाइविंग, और ऑन टॉप ऑफ दैट, चेरी ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो हमने डॉल्फिन्स का जो एक्सपीरियंस किया है अलोंग विद हमारे दूसरे दोस्तों के साथ, थैंक्स टू हमजा, शहरयार खान, इनके साथ ये बड़ा एडवेंचर सीन हो गया है। तो भाई हमारा सीन जो है ना आज का वाइंड अप कर रहे हैं, और जाने से पहले हमने कहा कि ज़रा ये स्पीड बोट को ज़रा हम भी करें, तो पहले सेल्फ मारते हैं। पहला इंजन स्टार्ट, ये दूसरा इंजन स्टार्ट, आज हम ये भी एक्सपीरियंस करके देख लें। और अगर शार्क क्रूजर्स के साथ आपने जाना है
तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाके कैप्टन हमजा को आप अप्रोच कर लें। हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।